हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और निधिस किचन में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिर एक बार लेके आ गई हूँ एक प्यारा सा व्लॉग आप सभी के लिए। हम निकल पड़े हैं जीवदानी माता का दर्शन करने के लिए। इस नवरात्रि में माता जी के दर्शन आपको मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। बहुत ही अच्छा और प्यारा दर्शन जो भी हमारा हुआ है वो आपको मैं दिखाऊँगी और आपको माता रानी के साक्षात दर्शन भी कराऊँगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सब निकल गए हैं, यहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरी माँ और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब निकल गए थे। और बच्चे हर्ष जो है वो सो गया था और अनुश्री मेरे गोद में मस्ती कर रही थी और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे ही हम जीवदानी के रास्ते पे पहुँचते हैं ना, जैसे ही पहाड़ शुरू होता है वहाँ पे आपको ना पहाड़ों के ऊपर रास्ते से ओम और स्वास्तिक दिखेगा। मैंने इसके पहले वीडियो में ओम जो है वो शूट किया हुआ था, मेरा हमेशा स्वास्तिक जो है मिस हो जाता है, तो इस बार स्वास्तिक भी मुझे सबसे पहले दिख गया था तो मैंने फटाफट से शूट किया आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए मंदिर और आप देख सकते हो मंदिर के नीचे का नज़ारा कितना प्यारा, कितना सुंदर, मतलब माता रानी के। तो जैसे ही पहुँच जाते हैं माता रानी के दरबार में तो आपको देखिए, ये मैंने कहा था ना आपको, ओम और स्वास्तिक दोनों ही पहाड़ों पे बनाया हुआ है। ये हमारी माता रानी जो पहाड़ों पे बसी हुई हैं, तो चलिए इनके दर्शन करने चलते हैं। चलो चलते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। टिकट हमने ले ली है और अब हम चले दर्शन करने। है ना रानी? रानी की नानी पीछे आ रही है। सो यहाँ पे जैसे ही आप टिकट ले लोगे ना, यहाँ पे आप इस तरीके से, मतलब अभी तो थोड़ा रश था, नॉर्मली जितना देखिए नवरात्रि का हमने सोच कहे थे कि बहुत गर्दी होगी, उतनी नहीं थी। हालांकि मतलब शायद एक दो दिन पहले या ये लास्ट के बीच में गर्दी हमें नहीं मिली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ है। और जैसे ही आप एंटर करते हो ना, टिकट के लिए जब आपको वेट करना होता है, उसके बाद ना यहाँ पर बहुत सुंदर गणपति बप्पा की जो मूर्ति है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और इस तरीके से अब हम अंदर बैठ चुके हैं, ये रही मेरी मम्मी और हम सब ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो टिकट के चार्जेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 200 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप टिकट आराम से ले सकते हो। और ये रहे हम माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं। और हाँ, अगर आपके साथ जैसे एजेड लोग हैं, मतलब जैसे जिनको चढ़ने की प्रॉब्लम है, अगर मतलब 7 महला क्योंकि चढ़ना पड़ता है, लिफ्ट के बाद भी आपको 5 महला चढ़ना ही पड़ता है, तो वो आप चढ़ सकते हो। आपके साथ जैसे हमारे साथ मम्मी लोग थी, बच्चे थे, तो हमने उन्हें लिफ्ट में भेज दिया था, मतलब उसके बाद भी लिफ्ट की जो सुविधाएं हैं वो बनाई गई है, तो वहाँ पे आप भिजवा सकते हो। फिर अब हम ऊपर आ गए, ये कुछ 15-20 सीढ़ियाँ होंगी, उसके बाद आपको ऊपर आने के बाद भैरव बाबा, काली माँ का मंदिर और ऐसे 2-3 मंदिर जो है वो आपको आराम से दर्शन करने मिल जाएंगे। ये भैरव बाबा का दर्शन कर लीजिए, माता रानी का दर्शन मैंने आपको करा ही दिया। भैरव बाबा भी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से सजाए हुए थे, जीवदानी माता मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, मन बहुत खुश हो गया था। हम भी खुशी खुशी प्यारा प्यारा दर्शन पा के सब नीचे आ गए। और नीचे आते वक्त भी मैंने एक बार वापस से दूर से थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। और ये जब आप ऊपर रहोगे ना, आप ऊपर से नज़ारे देख सकते हो, सीढ़ियों के ऊपर से आप नज़ारे देख सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा इतनी ऊंचाई से नीचे पूरी हरियाली और गाड़ियाँ, घर सब दिख रहे हैं। बस अब हम रिटर्न हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तो ये अब हम जा रहे हैं लिफ्ट के लिए, तो वहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और अभी हमारी जो फेनाकुलर है वो आ रही है। और ये देखिए अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक चल रहे थे। सो बस अब हम नीचे आ रहे हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में अगर इस वीडियो को देखना है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी पहले इसके पहले वाली नवरात्रि में जब मैं गई थी माता रानी के दर्शन करने, तभी भी मैंने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है जो 20 रुपीज़ का आपको मिलता है, नारियल की वड़ी होती है। और ये जैसे ही आप नीचे आओगे ना, काफ़ी अच्छा सा एक होटल था, उसके बाजू में काफ़ी प्रसाद का मंदिर था, प्रसाद की दुकान थी सॉरी, तो वो हमने ले लिया। अब हो रहे हैं गाना यहाँ पे माता जी के। जाओ
तो यहाँ पे माता जी का भजन करते हुए हम घर को आ गए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे ऐसी कामना करती हूँ। जय माता दी।